इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन देश के मशहूर कवि सर्वेश अस्थाना कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ खुद अस्थाना जी मौजूद हैं। अस्थाना जी, कोरोना को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, बतौर हास्य कवि आप कोरोना को कैसे देखते हैं? मैं बतौर हास्य कवि कोरोना को यूँ देखता हूँ कि तेरी सूरत यही बताती है, तेरी सूरत यही बताती है तू कोरोना से खौफ खाती है। कोरोना से खौफ नहीं खाना है, कोरोना से सावधान रहना है। जैसे प्रेमिकाओं से खौफ नहीं खाया जाता, सावधान रहना होता है। जिस तरह से पॉलिटिशियन से खौफ नहीं खाया जाता, उनसे सावधान रहना होता है, इसी तरह से कोरोना से हमें खूब सावधान रहना है। नुकसान नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान की वो जो ताकत है ना, जब अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उनका बनाया वायरस कैसे बिगाड़ पाएगा। जी, कुछ पंक्तियाँ बताइए कोरोना को लेकर। देखिए, मैंने अभी लिखी हैं, हो सकता है हल्का सा मिस करें, लेकिन इसको आप News24 से पूरा दिखाइएगा, आनंद करते हैं। तेरी सूरत यही बताती है, तेरी सूरत यही बताती है तू कोरोना से खौफ खाती है। तेरी सूरत यही बताती है तू कोरोना से खौफ खाती है। जब सैनिटाइजर से खुद को धो डाला, जब सैनिटाइजर से खुद को धो डाला, दिल लगाने में क्यों लजाती है। जब सैनिटाइजर से खुद को धो डाला, दिल लगाने से क्यों लजाती है। मैं कोरोना नहीं जो खा जाऊं, मैं कोरोना नहीं जो खा जाऊं क्यों नहीं मेरे पास आती है। मैं कोरोना नहीं जो खा जाऊं क्यों नहीं मेरे पास आती है। ऐसी मोहब्बत से क्या भाई। ये बतौरे खास है, कोरोना के टाइम में जितने आशिक हैं, जितने प्रेमी हैं, जितनी प्रेमिकाएं, उनको समर्पित करता हूँ। तेरी सूरत यही बताती है तू कोरोना से खौफ खाती है। ऐसी मोहब्बत से क्या भाई, ऐसी मोहब्बत से क्या भाई, माशूका 1.5 मीटर पे ठहर जाती है, माशूका 1.5 मीटर पे ठहर जाती है। और कवि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कहूँ कि स्वच्छ रहना ही है इलाज इसका। बहुत ध्यान दीजिए हिंदुस्तान वासियों, स्वच्छ रहना ही है इलाज इसका। अब तो गंदगी भी ये बताती है, अब तो गंदगी भी ये बताती है, तेरी सूरत ही बताती है तू कोरोना से खौफ खाती है। जी बिल्कुल, और बढ़ाइए अपनी पंक्तियों को आप आगे। और पंक्तियों से ये बढ़ाना है कि थोड़ा रुके, स्टॉप। हाँ, देखिए मैं सभी देशवासियों से एक साहित्यकार के नाते, एक पत्रकार के नाते ये अपील करना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुन ले दुनिया, खुला खुला ऐलान है, झुकने वाला नहीं किसी के सम्मुख हिंदुस्तान है। तो ये तो एक छोटा सा वायरस है, हम इसको अपनी सावधानी से इसको हम परास्त कर देंगे। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है इस वायरस की, अगर हम 2 घंटे इस वायरस से दूर रहें तो वायरस मर जाता है, जैसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने। तो बिल्कुल मत घबराइए, अनजान चीज़ों को छूइए मत, थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। इसीलिए 31 मार्च तक हम लोग इसको विजय प्राप्त करके और फिर से खुशहाल भारत की स्थापना के लिए जुट जाएंगे।